डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। जनपद अमरोहा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल के दाम बढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन किया है और गाड़ी को रस्सी से बांधकर खींचते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और सरकार को किसान विरोधी बताया है और योगी सरकार पर प्रदर्शन न करने देने की पाबंदी लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी की है। जानकारी के अनुसार यूपी के अमरोहा में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर अपनी कार को रस्सी के द्वारा खींचते नजर आए और रस्सी खींचते समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बता रहे हैं, तो वहीं योगी सरकार पर प्रदर्शन न करने देने का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सांकेतिक गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया है, पर कांग्रेस कार्यकर्ता आगे भी इस तरह के प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और तो और जेल जाने से भी न डरने का दावा करते नजर आ रहे हैं। हाँ जी बताइए साहब, आज आपने प्रदर्शन किया। देखिए, केंद्र की भाजपा सरकार, योगी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार लगातार पिछले 15 दिन से डीजल और पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ा रही है। कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में और उसमें जनपद अमरोहा में भी जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त बैनर के नीचे और तमाम अपने साथियों के साथ मिलकर आज ये डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों का विरोध प्रदर्शन किया है। हम लोग गाड़ी को रस्सी से खींच कर, क्योंकि हमारे पास और देश के किसान के पास डीजल और पेट्रोल डालवाने के लिए गाड़ियों में पैसे नहीं बचे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से देश में लॉकडाउन है, पूरा देश कोविड-19 महामारी से ग्रस्त है। ऐसी स्थिति में मोदी जी की सरकार, केंद्र की भाजपा सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल पर दाम बढ़ाकर देश के किसानों की, मजदूरों की कमर तोड़ना चाहती है। आज हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करने अपने कार्यालय से इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट तक जाना चाहते थे, परंतु योगी जी की सरकार ने और उनके प्रतिनिधियों ने, जिला प्रशासन ने हमको बलपूर्वक जबरदस्ती यहाँ पर रोक दिया और हमें गिरफ्तार कर लिया। परंतु हम योगी जी की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में किसानों की आवाज़ को बुलंद करता रहेगा, संघर्ष करता रहेगा, सड़कों पर उतर कर उनकी आवाज़ को बुलंद करता रहेगा, परंतु डरने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सरकार की गलत नीतियों का, किसान विरोधी सरकार का पुरजोर विरोध करेगा। चाहे ये हमें गिरफ्तार कराएं, चाहे हमारे पास मुकदमा लिखें, कुछ भी करें, पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज इन्होंने हमें गिरफ्तार किया है और कोई बात नहीं, हमें जेल भी भेजेंगे तो भी हम नहीं डरेंगे, हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। केंद्र सरकार काफ़ी समय से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती चली जा रही है। ये मोदी सरकार जानती है कि आज हर घर में पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, चाहे गांव हो शहर हो, हर घर में गाड़ी है, डीजल की ट्रकों के लिए आवश्यकता है, देश की अर्थव्यवस्था की रील सड़कों पर चलती है। लेकिन ये सरकार एक बार भी ये नहीं सोच रही कि जनता पर ये लगातार भार डाला जा रहा है, आखिर जनता कहाँ जाएगी। हम लोग जनता के, कांग्रेस पार्टी इस लोकतांत्रिक तरीके में विश्वास रखते हुए जनता को, मुद्दों को उठाते हुए आज बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध करना चाहती थी। हम लोगों ने विरोध किया भी, लेकिन शासन ने पुलिस और दूसरे लोगों को, पुलिस और अपने प्रशासन को यहाँ भेजकर हमको प्रदर्शन करने से रोका, हमको विरोध करने से रोका और हमको गिरफ्तार किया, रोका गया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी केंद्रीय और प्रदेश के नेतृत्व पर संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत लगातार विरोध प्रदर्शन करती रहेगी और लगातार जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी। हर जुल्म सितम की टक्कर पर संघर्ष हमारा नारा है। हम इस नारे के साथ शहर कांग्रेस कमेटी और ज़िला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से आज देश में बड़े पेट्रोल और डीजल के दामों का विरोध किया और हम इस विरोध को दमनकारी नीतियों के चलते सरकार के थमने नहीं देंगे। हम वचनबद्ध हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता वचनबद्ध है कि जब जब इस देश में अराजकता और सामाजिक मूल्यों को तिरस्कार करती हुई ये सरकार अपना कोई निर्णय देगी लेगी, भले ही हम सत्ता में भागीदारी में कम हो या जनसंख्या में कम हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक विपक्ष की जिम्मेदारी निर्वाह करते हुए हम जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे और हम इस सरकार के विरोध में, चाहे वो पुलिस बल से हमें डराए, चाहे मुकदमों से हमें डराए, उसकी परवाह ना करते हुए कांग्रेस पार्टी का हर सिपाही, हर कार्यकर्ता प्रियंका गांधी जी के और लल्लू जी के आदेश का पालन करते हुए प्रदेश में मुखर विपक्ष की भूमिका निभाएगा। धन्यवाद।